हेलो एवरीवन वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास इलेवन सोशियोलॉजी और बुक टू चल रही है हमारी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी और इसमें हम देख रहे हैं अपना लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर टू सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी कि किस तरीके से सोसाइटी ने चेंज देखा सोशल ऑर्डर में चेंज होता है एंड सिर्फ रूरली नहीं हम अर्बन सोसाइटी में भी इस सब चीज़ों को चेक करेंगे कि किस तरीके से जो हमारा रूरल एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चरल आस्पेक्ट ज़्यादा है जो हमारे गांव वगैरह के एरिए हो गए और दूसरा जो अर्बन है जिन्हें हम शहर बोल देते हैं सो इट इज़ ऑफन सेट दैट चेंज इज़ ओनली अनचेंजिंग आस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी ये लाइन बहुत प्यारी है इसमें सिंपल क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि एक चेंज ही ऐसी चीज़ है जो अनचेंजिंग है जिस लाइक कि सब कुछ बदल रहा है और चेंज नहीं बदलता क्योंकि चेंज खुद ही चेंज है वो खुद ही बदल रहा है थोड़ा शायराना टाइप का वर्ड है ये बट अगर आप इसको अपने आंसर्स में लिखेंगे तो आपके आंसर को डेफिनेटली एज मिलेगा सो एनी वन लिविंग इन मॉडर्न सोसाइटी डज नॉट नीड टू बी रिमाइंडेड कि जो कॉन्स्टेंट चेंज है इज अमंग द मोस्ट परमानेंट फीचर्स ऑफ द सोसाइटी कि लगातार अगर चेंज हो रहा है तो ये वन ऑफ द मोस्ट परमानेंट फैक्टर है सोसाइटी का इन फैक्ट जो डिसिप्लिन ऑफ सोशोलॉजी है इट इट सेल्फ इमर्ज एस एन एफर्ट टू मेक सेंस ऑफ द रैपिड चेंजेस दैट वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी हैज़ एक्सपीरियंस बिटवीन द एंड नाइनटीन सेंचुरी क्योंकि आप देखिए सोशलॉजी में क्यों नहीं आएगा चेंज सोशलॉजी तो खुद ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चेंज की वजह से ही पैदा हुआ था हमने देखा यूरोप में इतने सारे चेंजेस आए थे उसी ने ही तो इसे जन्म दिया था सो बट दो चेंज सेम्स कॉमन एंड ऑबियस फैक्ट अबाउट मॉडर्न लाइफ अब सोशल चेंज को हमें क्या देख के लगता है कि ये बहुत ही कॉमन और ऑबियस फैक्ट है मॉडर्न लाइफ का बट इट इज कम्पेरेटिवली स्पीकिंग वेरी न्यू एंड रिसेंट फील इट इज एसटीमेटेड दैट ह्यूमन बींगसटेड ऑन प्लान अप्रॉक्सिमेटली फाइव लाख ईयरस अगो बट देड अइज एग्जिस्टेंस फॉर ओनली अबाउट सिक्स थाउजेंड एंड इट इज ओनली फोर हंड्रेड ईयर्सो दैट वी है अगर हमें लग रहा है ना कि जो आस्पेक्ट है वो किस तरीके से कब शुरू हो जाना चाहिए था क्योंकि तो आप ये देखो ह्यूमन बींग सर्वाइव करना या लिव करना कब शुरू हो गए थे पांच पांच लाख साल पहले से छह हजार साल पहले लगभग वो सिविलाईज हो चुके थे और चार सौ साल पहले ही हमने देखा कि वहाँ पे बहुत ही तेजी से रैपिड चेंजेस आने शुरू हो गए सो इवन विद इन दीज ईयर ऑफ चेंज दास्ट हंड्रेड ईयर और इन चार सौ सालों में भी स्पीड सबसे ज्यादा कब बड़ी है पिछले सौ डेढ़ सौ सालों में क्योंकि जो स्पीड हैज बीन इंक्रीजिंगली स्टडीली एंड इट इज प्रोबेबली ट्रू दैट इन द लास्ट हंड्रेड ईयरस चेंज हैजीन फास्टर इन लास्ट फिफ्टी ईयर दैन इन फर्स्ट फिफ्टी तो सिंपल जो चेंज की स्पीड है ना वो लगातार आगे बढ़ते बढ़ते और बढ़ती जा रही है इसलिए लाइक ना एसिलेरेशन वो नाइन्थ में टेंथ में पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में कि जब स्पीड लगातार बढ़ती हुई चली जाती है सो so, ये भी एक एसेड मोशन में चेंज हो रहा है यानी कि अगर आप देखो आप बोलो पिछले दस साल में चेंज आया है तो अगर आप पिछले दस साल में चेंज देखोगे ना तो जो लास्ट के फाइव ईयर थे उसमें ज्यादा चेंज आया होगा शुरू के फाइव ईयर में कम आया हो, होगा तो दिस इज वॉट एक स्टेडी फेस है एक लगातार चलने वाला अब इसमें एक पेरा दे रखा है छोटा सा दैट इज द क्लॉक ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ह्यूमन हिस्ट्री के क्लॉक की हम बात कर रहे हैं सो ह्यूमन बींग्स है इंसान कब से धरती पर सर्वाइव कर रहा है अर्थ पे हाफ अ मिलियन ईयर्स पांच लाख साल जो एग्रीकल्चर है द नेसेसरी बेसिस ऑफ फिक्स सेटलमेंट वो लगभग बारह हजार साल पहले हमें देखने को मिलते हैं सिविलाइजेशन जो अच्छी खासी सिविलाइजेशन हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं

एज इन ऑल टाइम इसमें सिंपल क्या कह रहे हैं कि अगर हम पूरे को एक दिन की घड़ी के हिसाब से देखें तो अगर आप कह रहे हो कि इलेवन फिफ्टी सिक्स पे एग्रीकल्चर आ गया ना तो इलेवन फिफ्टी सेवन पर सिविलाइजेशन आ गई फिफ्टी नाइन पे मॉडर्न फिफ्टी नाइन थर्टी पे हमने क्या देखा मॉडर्न चेंजेस आने शुरू हो गए तो अगर हम इस आस्पेक्ट में देखें तो क्लॉक ऑफ हिस्ट्री यही चीज हमें बताने की कोशिश कर रही है सो लास्ट थर्टी अब देखो इन सब से क्या हुआ बिग इम्पैक्ट हमने देखा एंड द बिग इम्पैक्ट इम्पैक्ट स्प्रेड ओवर लार्ज सेक्टर ऑफ द सोसाइटी ये स्प्रेड कहाँ पे हो गया सोसाइटी के बड़े बड़े सेक्टर्स से सो इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एट सोशल चेंज अब इवन आफ्टर दिस काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन सोशल चेंज स्टिल्स अ वेरी ब्रॉड टर्म अब देखिए सिंपल स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें सोशल चेंज का मतलब क्या है समाज में जब बदलाव आएगा सोसाइटी में चेंज आएगा तो हम सोशल चेंज कह देते हैं वेरी सिंपल बट 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 दैट्स नॉट एज सिंपल एज इट सीम टू बी क्योंकि ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है इसके अंदर काफ़ी सारी चीजें दैट वुड बी डिस्कस्ड आउट सो अटेम्प्ट्स टू फर्दर क्वालिफाई इट यूजअली ट्राई टू क्लासीफाई इट बाई इज और कॉजिज सो बाय इट्स नेचर और द काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन सोसाइटी एंड बाय इट्स स्पेस और स्पीड तो अपनी स्पीड अपनी पेस इन सब के हिसाब से छोटे छोटे चेंजेस आए वो छोटे छोटे चेंजेस चेंजेस बड़े बड़े चेंज़ आने लग गए और अब तो समाज में अगर एकदम से कोई बड़ा चेंज आ जाता है तो हम बहुत ही लाइक like, विचलित नहीं होते हैं हमें लगता है हमें एक्सेप्टेबल होता है कि कुछ भी कभी भी हो सकता है सो so, इन सब चीजों की बात शुरू कहाँ से हुई थी इन सब चीजों की बात शुरू हुई थी सोशल चेंज टॉपिक से अब देखिए सोशल चेंज टॉपिक अपने आप में ही क्या बता रहा है कि फ्रॉम द पीरियड ऑफ टाइम हमने बहुत सारे समाज में चेंजेस देखे एंड ऑलमोस्ट हर तरीके का चेंजेस देखा चाहे वो इकोनॉमिक हो पॉलिटिकल हो किसी भी टाइप का एंड सोशोलॉजिस्ट दे हैव टू वर्क हार्ड ताकि वो इस ब्रॉड मीनिंग को लिमिट कर सकें इन ऑर्डर टू मेक द टर्म मोर स्पेसिफिक और इसीलिए ये यूजफुल है किसके लिए सोशल थ्योरी के लिए सो so, अगर मोस्ट बेसिक लेवल की बात करें तो सोशल चेंज रेफर्स टू द चेंज वो कैसे चेंज है जो सिग्निफिकेंट है इम्पॉर्टेंट है

पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया सोसाइटी के फंडामेंटल्स को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया सो द बिगनेस ऑफ द चेंज इज मेजर नॉट ओनली बाय हाउ मच चेंज इट ब्रिंग अबाउट बट ऑल्सो बाय द स्केल ऑफ द चेंज दैट इज बाय हाउ लार्ज द सेक्शन ऑफ सोसाइटी इट अफेक्ट कि जी जिस चेंज की तुम बात कर रहे हो उस चेंज ने सोसाइटी के कितने बड़े सेक्शन को अफेक्ट किया है उससे हम क्या चीज इंक्लूड आउट कर पाते हैं सो लाइक डाविन की जो थ्योरी है डाविन थ्योरी ने क्या बोला था सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट उन्होंने ये बात बोली थी सो so, उनकी थ्योरी रेफर टू द नेचुरल प्रोसेस इट वॉज सोन सोशल वर्ल्ड सोशल सोशल डारवेनिज्मारवेनिज्म बेसिकली क्या बोलता है कि अडेप्टिव चेंज की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है समाज में अगर बदलाव आ रहे हैं ना तो अपने साथ उस बदलाव को हमें स्वीकार करना चाहिए सो इन कंट्रास्ट टू एवोल्यूशनरी चेंज चेंजेस दैट अकर कंपैरेटिवली

और कोई दूसरा जन या दूसरा पार्टी दूसरा ग्रुप उसको ओवर थ्रो कर देंगे तो इट्स लाइक सडन रिवोल्यूशनरी चेंज कि एकदम से वक्त बदल गया जज्बात बदल गए हालात बदल गए सो एग्ज़ाम्पल्स इंक्लूड द फ्रेंच रिवोल्यूशन जैसा कि हम देखें सोवियत या रशियन रेवोल्यूशन अच्छा अगर आप बोलें कि जी ये तो बहुत लंबा लंबा प्रोसेस था चालीस चालीस पचास पचास साल लग रहे हैं और मैम आप बोल रही हो कि ये छोटे चेंजेस हैं

भाई आप ये देखो एक जी बी नेट के लिए कई कई बार डेढ़ डेढ़ सौ दो दो सौ रुपये देने पड़ते थे और वो एक जी बी पूरा महीना चलाना होता था अब एक दिन का चार चार पाँच पाँच जी बी खत्म हो जाता है और पता भी नहीं लगता मतलब डेढ़ जी बी तो बहुत बेसिक पैक के साथ आपको मिलता है तो दिस वॉज वॉट दिस वॉज लाइक सम टेलीकम्युनिकेशन चेंज इंटरनेट सर्विसेज चेंज तो क्रांति किसके रूप में थी इंटरनेट के रूप में तो वो चेंजेस हमें किसी भी रूप में कभी भी देखने को मिल सकते हैं सो so, इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में थैंक यू सो मच आर ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो थैंक यू